हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशु अनु ऑफिशियल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप लोग भी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है वो मैंने बनाया था रक्षाबंधन को, बट कुछ रीज़न की वजह से मैं डाल नहीं पाई। आपको पता है इतने सारे ये हो जाते ना, और वीकेंड भी था प्लस फेस्टिवल था, तो किसी ना किसी का आना जाना, वो सारी चीज़ें लगी थी। जैसा कि मम्मी की इधर भी मैं बहुत लेट पहुंची, मतलब 9:30 बज गया रक्षाबंधन करके, और वहाँ से निकलने के लिए हम लोग 11:30-12 बजे निकले और घर पे पहुंचे तो 1:30 बज गया। इसकी वजह से ये मैं डाल नहीं पाई। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो मैं ना शुरू से ही ना गणपति भगवान को अपना भाई मानती हूँ। पता नहीं क्यों, बचपन से ही, तो मैं जब भी छोटी थी ना तभी से गणपति भगवान को ही मैं राखी बांधती थी, क्योंकि तब मेरे पास भाई वगैरह नहीं थे और काफ़ी टाइम तक नहीं थे। इन शॉर्ट अगर वो देखा जाए तो मेरी सिस्टर की शादी के बाद तक भी मेरे पास भाई नहीं थे। मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हुई तो उसके बाद हुआ, मतलब मेरे भाई अभी एक जो है वो 2002 का है, एक 2001 का है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने छोटे होंगे। और मेरी शादी को ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गया, तो मैं ना उनको ही बांधती थी गणपति बाबा को, और उनको मेरे मतलब ऐसा, मैंने पता नहीं कि मेरे दिल से ऐसा था कि मैं उनको बांधती हूँ हर साल, तो उनको बांधना। और अभी कुछ टाइम से ऐसा हुआ है कि लड्डू गोपाल मेरे पास में है, तो लड्डू गोपाल को भी मैं राखी बांधती हूँ। अभी कम से कम 4 साल हो गया, तो मैंने पहले किया, चलो ठीक है रेडी वगैरह हो गई, ये मेरा राखी लुक है जो आप देख पा रहे हैं। रक्षाबंधन पे मैं इस तरह से रेडी हुई थी। मुझे बहुत ज़्यादा सजना संवरना या बहुत ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है, मैं एकदम सिंपल सुबह में रहती हूँ प्लस। हाँ, लेकिन ड्रेस वगैरह डाल लिया, थोड़ा रिंग्स इयररिंग्स डाल लिया, ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ, बाकी का नहीं कर पाती। आप लोग को पता होगा जो भी वर्किंग में रहते हैं ना, उनको ना एकदम सिंपल ही रहना पसंद होता है, और कभी कभी ठीक है हो जाता है, जैसे कि गाँव वगैरह गया, कोई फंक्शन हुआ। तो ये सबसे मेरे बड़े भाई हैं और मेरे सबसे पहले भाई हैं गणपति बप्पा। तो गणपति जी को मैंने अच्छे से उनकी आरती वगैरह किया और उनको मैंने राखी बांधा, जैसा कि हर साल बांधती हूँ, मैं बचपन से बांधती आ रही हूँ, तो आज भी मैं ये परंपरा कैसे तोड़ सकती हूँ। तो पहले मैंने उनको ही बांधा, उसके बाद मैंने बांधा लड्डू गोपाल को। लड्डू गोपाल भी उनको बांधने के बाद भी, क्योंकि मैं उनको भाई के रूप में ही ये समझती हूँ, तो उनको बांधने के बाद फिर मैं अभी निकलूँगी मम्मी की इधर बांधने के लिए। तो इस तरह से मेरा रक्षाबंधन स्टार्ट हुआ। पहले उनको टीका किया, फिर उसके बाद में आरती उतारी, अक्षत और रोरी, जो भी रोरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें करके, ये रहा स्वीट्स उनका, तो उनके मुँह को मतलब स्पर्श किया, वो सब करने के बाद ही मैं यहाँ से निकली। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कौन कौन इस तरह से करता है, मैं तो हर साल करती हूँ, तो ये साल कैसे छोड़ सकती हूँ। तो ये मेरे छोटे कान्हा, ये बड़े कान्हा और ये मेरे गणपति बप्पा। तो ऑलमोस्ट एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास भाई नहीं था, और एक टाइम ऐसा है कि मेरे पास कितने भाई हो गए हैं। तो ये ना बोलते हैं ना कि कुछ ऊपर वाला देता है तो बहुत कुछ देता है, नहीं देता है तो कुछ नहीं देता है। तो मुझे तो बहुत सारे मिल गए। अब ये करने के बाद फिर मैं मेरे भाइयों को राखी बांधने जाऊंगी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप में से कौन कौन ऐसा करता है या नहीं करता है, कौन किस भगवान को बांधता है। मेरे तो सबसे प्रिय, जो सबसे मेरे बड़े भाई हैं, वो गणपति बप्पा ही हैं। ऑल टाइम मेरे, बोलते हैं ना, कोई भी काम हो, कोई भी कार्य हो, मैं उनके बिना नहीं कर सकती। तो मैंने लड्डू, उसके बाद में लड्डू गोपाल आया, तो अभी लड्डू गोपाल को भी मैं उसी तरह से मान सम्मान देती हूँ, उनको भी अपने भाई की तरह ये करती हूँ। तो इस तरह से मैंने आरती और राखी वगैरह सब कर लिया। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए हमें यूट्यूब फैमिली। अपना सपोर्ट, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद बनाए रखे। आप लोग के साथ की ज़रूरत है, आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। वैसे भी जैसा कि आपको पता है, मेरा चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज तो हो गया है, बट फिर भी आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। बोलते हैं ना, जब तक ये रहेगा तब तक आप लोग की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, और प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पर हैं, प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप मेरे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और किस किस ने कौन से भगवान को राखी बांधा या नहीं बांधा, और भाई को राख कब बांधा, कैसे किया, क्योंकि मैंने तो आपको सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, आप लोग के कमेंट का इंतज़ार रहेगा, मुझे वेट रहेगा, मैं वेट करती हूँ। और इसके अलावा इस तरह से मैंने मेरा राखी सेलिब्रेट किया, तो आप लोग बता के ज़रूर बताइएगा मुझे किस तरह से सेलिब्रेट किया, कहाँ पे किया, कैसे किया। तो फाइनली मेरा रक्षाबंधन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं अभी रेडी ही हूँ, तो फटाफट मैं निकलूँगी मम्मी के यहाँ जाने के लिए। वहाँ पे मेरी ऑलरेडी सब बहनें आ चुकी हैं, तो पहली बार ऐसा है कि हम सारी बहनें एक साथ में राखी बांधें। ये मोमेंट मेरे लिए इतना खास है, इतना खास है कि मैं ना जुबान से बयान नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी ना तो शायद मैं बोल नहीं पाऊँगी, कि
क्योंकि ना रक्षाबंधन से शादी होने से फर्स्ट टाइम ऐसा होने वाला है कि हम सारी बहनें एक साथ में मिलकर राखी बांधने वाले, नहीं तो ना कोई कहीं पे रहता था, कोई कहीं पे रहता था, किसी ने बांध दिया, किसी ने भेज दिया, इस तरह से होता था। वो बोलते हैं ना, आप लोगों ने भी सुना रहेगा, एक बार भाई बहन से मिल सकता है पर बहन बहन से ना मिलना बहुत मुश्किल होता है। एक बार शादी हो जाती है ना, फिर सारी चीज़ें ना ससुराल वालों के ऊपर डिपेंड होती है, कब जाना है, कब नहीं जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। इसके अलावा किसी किसी के ऊपर ना जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो वो उनको देखना पड़ता है कि पहली प्रायोरिटी कौन सी है, मेरी ससुराल की है, मायके की है, तो मुझे किसको पहला ये देना था स्थान। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं और बहुत बीच में आती हैं। मेरे साथ तो बहुत होता है, बहुत आता है, बट क्या करूँ, अभी इस बार मिला है मौका तो चलो ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें भूल जाती जो सामने आता है ना, फिर उसमें अपने आप को एकदम ये कर लेती हूँ। तो इसलिए इस तरह से करके हम लोगों ने बोला चलो। तो मैं रात में ही जाने वाली थी, मेरे को मुझे ना रहा नहीं जा रहा था जब मैंने सुन लिया रात में कि सब लोग आ गई हैं। पर के बोलते हैं ना जिम्मेदारियाँ जो है ना वो पैर की बीड़ियाँ बन जाती हैं, पैर बांधे हुए थे मेरे, तो मैं जा नहीं पाई। बट सुबह होते ही स्नान वगैरह करके पूजा पाठ किया, पूजा पाठ करने के बाद सारी चीज़ें बना ली, खाना पीना जो भी बनाना था वो सब करने के बाद फिर फटाफट मैंने पूजा कर लिया और फिर मैं निकलूँगी मम्मी की तरफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।